आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले आस्था और भक्ति की। नए साल की शुरुआत से ही देश भर में मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। बीते दो साल कोरोना के कारण लोगों को पाबंदियों के बीच मंदिर दर्शन करने की इजाजत थी, मगर इस साल ऐसा नहीं है और इसीलिए देश भर के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसा एक मंदिर है शिरडी के साईं बाबा का, जहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं और ये श्रद्धालु दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। मंदिर प्रशासन का दावा है कि नए साल के मौके पर भक्त रिकॉर्ड तोड़ 17,81,00,000 रुपए का दान दे चुके हैं और ये सिलसिला हर रोज जारी है। कहते हैं साईं के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आस्था और उमंग से भरा ये सैलाब शिरडी के साईं की महिमा खुद ही बयां करता है। खास बात ये है कि साईं भक्त अपने आराध्य के आगे मुरादों की झोली तो फैलाते हैं, लेकिन अपने इष्ट पर खूब प्यार भी लुटाते हैं, खुलकर दान भी करते हैं। साई मंदिर प्रशासन का दावा है कि पिछले एक साल में साई के दर को करीब 400 करोड़ का चढ़ावा मिला। साई बाबा मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच देश विदेश से 8,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साई बाबा के दर पर मत्था टेका, साई बाबा से नए साल का शुभाशीष लिया और झोली में भर भर के चढ़ावा दिया। महज इन 9 दिनों में भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ 17,81,00,000 रुपयों का दान दिया। इस दौरान हुंडी में 9,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए, तो वहीं अलग अलग डोनेशन काउंटर पर श्रद्धालुओं ने करीब 3,67,00,000 रुपए दान दिए। प्रेम, आस्था, विश्वास और समर्पण भक्ति की वो डोर हैं जो भक्तों को हमेशा साईं से जोड़ कर रखती हैं। अपनी इसी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हुए भक्त दान देकर साईं का आभार जताते हैं। साल के शुरुआती दिनों में तो बेंगलोर के एक भक्त ने महादान का नया कीर्तिमान ही रच डाला। शिवानी दत्ता और उनके परिवार ने अपने आराध्य को सोने का मुकुट अर्पण किया। 928 ग्राम सोने के इस मुकुट की कीमत 86,70,000 रुपए बताई गई। हम कोई देने वाले नहीं है, सब बाबा का है, सब उनके चरणों में अर्पण है। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। यही आस्था, यही विश्वास भक्तों को साईं के दर पर खींच लाता है और साल दर साल भक्ति और दान का नया कीर्तिमान शिरडी के साईं मंदिर से जुड़ता चला जाता है। नितिन मिराणे, शिरडी, गुड न्यूज टुडे। पूरे भारत देश में 5,00,000 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें कई आध्यात्मिक आस्था और चमत्कार के प्रतीक भी हैं। किसी मनोकामना के पूरे होने पर या फिर किसी मुराद के पूरे होने के लिए श्रद्धालु दान या फिर चढ़ावा अर्पण करते हैं, जिसकी वजह से देश के मशहूर मंदिरों को लाखों रुपए सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं। और यही वजह है कि शिरडी साईं बाबा मंदिर के अलावा भी कई मंदिरों को साल भर में कई 100 करोड़ के दान मिलते हैं, जिनमें रुपए के अलावा हीरे भी होते हैं, सोने चांदी के आभूषण भी शामिल होते हैं। शिरडी साईं मंदिर को मिले 400 करोड़ जैसे दान के दम पर ही हिंदुओं की आस्थाओं के बड़े केंद्रों में शामिल ये मंदिर देश के 10 सबसे ज्यादा अमीर मंदिरों में शामिल है। ऐसे मौके पर मैं उन मंदिरों के बारे में भी आपको बताने जा रही हूं जिनकी गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में होती है। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का, देश का सबसे अमीर मंदिर इसको कहा जाता है, जो भारत के केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में मौजूद है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर का पूर्व शाही परिवार करता है और इसके खजाने में हीरे हैं, सोने के गहने हैं, सोने की मूर्तियां शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की 6 तिजोरियों में कुल 20 अरब डॉलर यानी कि 1,65,000 करोड़ की दौलत बंद है, ऐसा अनुमान है। और इस मंदिर में 1 जनवरी 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक दान पात्र में 833 करोड़ रुपए आए हैं।
अमीर मंदिरों की इसी सूची की बात अगर करें तो दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर आता है। भारत में वैष्णव संप्रदाय का मंदिर तिरुपति दान के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है और इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। भक्त यहां पर हर साल लगभग 650 करोड़ रुपए दान के रूप में देते हैं। इसके बाद जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर तीसरे स्थान पर देश के सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में है। ट्रेवल गाइड टूर बाय इंडिया के मुताबिक हर साल इस मंदिर से करीब 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा यानी कि दान चढ़ाया जाता है। इसी सूची में अगला नंबर आता है शिरडी साईं बाबा मंदिर का और रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के पास 380 किलो सोना 4428 किलो चांदी है जबकि बैंक खातों में करीब 1800 करोड़ रुपए हैं। 2017 में रामनवमी के अवसर पर एक अज्ञात भक्त ने 12 किलो सोना तक दान किया था और 2021 तक यहां हर साल लगभग 350 करोड़ का दान आता है जो साल 2022 के अंत तक बढ़कर 400 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर भी देश के अमीर मंदिरों की सूची में शामिल है। प्रशासन के मुताबिक यात्रा सीजन में इस मंदिर को करीब 230 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। इसके बाद बारी आती है मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की। भगवान गणेश का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर हर साल फिल्मी हस्तियों से लेकर आम लोग तक आते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हर साल यहां करीब 125 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है जिसकी वजह से ये देश के 10 सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में शामिल है। इसके बाद मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आता है। देश के उन चंद मंदिरों में शामिल है जहां पर रोजाना 20 से 30 हजार भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में सालाना करीब 6 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इसके बाद बारी आती है वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम की। सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां हर साल 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। 2 लाख विदेशी पर्यटक भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। मीनाक्षी मंदिर के बाद हमने जिक्र किया काशी विश्वनाथ का और इसके बाद बारी आती है पुरी में जगन्नाथ मंदिर की जो सबसे अमीर मंदिरों में शामिल है। यहां न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से भक्त पहुंचते हैं और यही वजह है कि यहां पर दान भी ज्यादा आता है। जगन्नाथ मंदिर में करीब 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के बाद अगला नंबर गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आता है। सोमनाथ मंदिर को गुजरात में एक समृद्ध मंदिर के तौर पर गिना जाता है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। सोमनाथ में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। हालांकि धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए दान को लेकर कुछ नियम भी बने हैं। जिन मंदिरों का संचालन सरकार के हाथ में है उनका पैसा मंदिर के अलावा देश की विकास योजनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। करंट टैक्स रूल को अगर हम देखें तो धर्मार्थ या फिर धार्मिक ट्रस्टों की संपत्ति से होने वाली आय कुछ शर्तों के साथ कर मुक्त भी होती है। देश के करीब 5 लाख मंदिरों में इनमें से लगभग 4 लाख मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है। चलिए मंदिरों की बात हो रही है तो आपको लिए चलते हैं हम तीर्थराज प्रयाग जहां पर आज से आस्था के महामेले की शुरुआत हो चुकी है। आस्था का संगम यहां पर देखने को मिल रहा है। पवित्र स्नान के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद देश भर के श्रद्धालु इस माघ मेले में शामिल होने के लिए संगम नगरी प्रयाग पहुंचे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर 40 दिनों तक ये माघ मेला चलेगा जिसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। माघ मेले को लेकर प्रयागराज प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ योगी और संतों के स्नान की भी बेहतर व्यवस्था की गई है। हर साल होने वाला ये माघ मेला इस साल कई मायनों में खास है क्योंकि योगी सरकार ने इस मेले का आयोजन 2025 के महाकुंभ को देखते हुए किया है। हमारे भले भाई गंगा जी की लहर। पौष पूर्णिमा के मौके पर सुबह सवेरे संगम में आस्था की इस डुबकी के साथ ही माघ मेले की शुरुआत तीर्थराज प्रयाग में हो चुकी है। आस्था के इस महामेले के पहले ही स्नान में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
कड़ाके की ठंड और घना कोहरा भी इन श्रद्धालुओं के जोश को कम नहीं कर पाया। संगम तट से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कोई स्नान के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती की आरती कर रहा था तो कोई देवों के देव महादेव को अपने भजनों के जरिए याद करता नजर आया। एकी धार जले सर फोका महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा, आशीष गंगे की धार गले सर फोका हार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, भोले उसमें भी कमियां दिखाई, इबो तो मछली जो ठार में तो हो गई लाचार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। हिंदू धर्म के मुताबिक पौष और माघ मास की पूर्णिमा के दौरान संगम किनारे कल्पवास करने को सबसे उचित समय माना जाता है। इस दौरान कल्पवास करने के लिए सैकड़ों लोग प्रयागराज पहुंचते हैं और संगम किनारे भगवान की भक्ति में लीन होकर पूरे दिन हवन, मंत्र, तप, स्नान, दान जैसे धार्मिक कार्य करते हैं। ताकि उनकी सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सके। आज माघ माह का प्रथम स्नान है और हम लोग एक माह के लिए कल्पवास करने यहाँ प्रयागराज में आए हुए हैं और लगभग एक हफ्ता पहले आ गए हैं, तब से अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। आज हम लोग नहाए हैं, पूजा पाठ किए हैं। 40 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले के दौरान 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर दूसरा स्नान, 21 जनवरी मौनी अमावस्या को तीसरा स्नान, 26 जनवरी बसंत पंचमी के दिन चौथा स्नान और 5 फरवरी माघी पूर्णिमा को पांचवां स्नान और 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान होगा। सही है कि यहाँ पर कल्पवास में बहुत ज्यादा नियम संयम का पालन किया जाता है। जो कल्पवासी हैं एक महीने तक यहाँ पर रहते हैं, स्नान उनको 3 बार करना होता है, भूमि पर शयन करना होता है, 3 बार जप और पूजन करना होता है और तुलसी और शालिग्राम जी स्थापित किया जाता है। जो 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 यहाँ पर टेंट है या तंबू है या उनके अस्थायी निवास आप इन कल्पवासियों का उसको कह सकते हैं, उसमें ये पूजा की जाती है। आस्था के इस महामेले के दौरान साधु संतों के प्रवचन होते हैं, वो पूजा पाठ और तप करते हैं। इन संतों का आशीर्वाद लेने के लिए भी दूर दूर से भक्त यहाँ पर खींचे चले आते हैं। आज माघ महीने का संकल्पित पौष पूर्णिमा का पावन पर्व है, जो पितरों की पूर्णिमा है। आज के दिन लिया गया संकल्प समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाली ये पूर्णिमा मुख्य रूप से आज के दिन ही माघ मेले की शुरुआत करती है। स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि माघ मकर रवि गति जब होई तो तीर्थ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल फेंखिय तत्काला, काक होई पिक बकव मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरि पाप का वेद पुराना। इस बार के माघ मेले का आयोजन आगामी महाकुंभ के विजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने वाले लोगों के आने जाने, रहने, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पूरे माघ क्षेत्र की निगरानी के लिए 150 सीसीटीवी और 4 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। वहीं 14 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, 20 इंस्पेक्टर, 215 दरोगा, 2000 सिपाही, 10 कंपनी पीएसी, 4 बाढ़ राहत दल, आरएएफ की 2 कंपनियां और 100 गोताखोरों को इस माघ मेले में तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस के कमांडोज को भी मेले की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। बिजली की चाहे व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, ट्रेनिंग व्यवस्था व्यवस्था हो और आगे टॉयलेट्स और बाकी व्यवस्थाएं सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कहीं पे अगर कुछ बात आती है तो हमारे अधिकारी लोग भी मुस्तैद हैं, तो और हेल्थ के लिए भी जो है मैंने देखा था कैंप्स और वहाँ पे कोविड वाले जो हेल्प डेस्क वाले लोग वहाँ पे लगे थे, तो हम पूरी मेहनत से भरकत से श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर अनुभव हो उसको अच्छा बनाने में लगे। आस्था के इस महामेले की शुरुआत जितने शानदार तरीके से हुई है
उसे देखते हुए इस बार माघ मेले में देश और दुनिया से करीब 6 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनके स्वागत के लिए तीर्थराज प्रयाग पूरी तरह से तैयार है। प्रयागराज से शिल्पी सेन और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज पहले स्नान के साथ माघ मेले की शुरुआत हो गई है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं साधु संतों के आश्रम में, वहां पर जहां पर संत रहते हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे वहां पर पूजा पाठ होता है, देखिए मेरी सहयोगी शिल्पी सेन की रिपोर्ट। प्रयागराज में माघ मेले में अलग अलग साधु संतों के, तपस्वियों के शिविर दिख रहे हैं और हर शिविर का अपना आध्यात्मिक एक स्वरूप है, महत्व है। हम इस समय अमेठी के मौनी महाराज के शिविर में हैं और हम देख रहे हैं यहाँ से अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री गणेश विनायक की यहाँ पर एक कटआउट देख रहे हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। और इसके अलावा जो हम देख रहे हैं, एक तरफ माँ कालरात्रि और एक तरफ माँ पीताम्बरा, यानी कि शक्ति के जो स्वरूप हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात जो अंदर आते ही, अंदर प्रवेश करते ही दिखती है, वो ये कि ये शिवलिंग जो है ये रुद्राक्ष से बना हुआ शिवलिंग है और इसके चारों तरफ हम रुद्राक्ष देख पा रहे हैं। लेकिन एक और बात, खास बात है वो ये कि ये जो त्रिशूल है जिससे ये यज्ञशाला बनाई गई है, ये लाल रंग के हैं, पीले रंग के हैं, सफेद रंग के हैं। ब्रह्मा जी को भी हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो मौनी महाराज जी की वेशभूषा भी बिल्कुल अलग रहती है, क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व और क्या वजह है? तो सबसे पहले महाराज जी, ये जो हम शिवलिंग देख रहे हैं, रुद्राक्ष से ही बने हैं ये या रुद्राक्ष इनमें लपेटा गया है, क्या है ये और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? यश्याम के च विभाति भूधर सुता देवा फगा मस्तके भाले भाल विधुर्गले च गरनम यशोरशिभ्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर शर्वाधिपा सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशनिभ श्री शंकर पातु माम। साक्षात भगवान ब्रह्मा की यज्ञ भूमि तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा, जहां भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव महामृत्युंजय भगवान महाकाल की 5.25 लाख रुद्राक्षों से बनाई गई ये शिवलिंग है। शिवलिंग में जो रुद्राक्ष पहनाए गए हैं बाबा को, इसके पहले बाबा की एक दिव्य मूर्ति उस रूप से स्थापित की गई, उसके बाद उसमें रुद्राक्षों को पहना करके बाबा का दिव्य श्रृंगार किया गया है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवती पार्वती जी की कृपा से हुआ है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। और शिव पुराण में 1 बुक से लेकर के 26 बुक तक के रुद्राक्षों का वर्णन है। इसमें भी नाना प्रकार के और कई मुख्य रुद्राक्ष आपको स्पर्श करने पर तमाम प्रकार की ऊर्जाओं को दे सकते हैं। इस शिवलिंग की स्थापना जो की गई है 5 फीट जमीन के नीचे है, शेष भाग जमीन के ऊपर है। ये इसमें श्वेत रंग के, लाल रंग के और पीले रंग के भी त्रिशूल हैं, इनका क्या महत्व है? क्योंकि त्रिशूल तो आमतौर पर हम लोग इन रंगों के नहीं देखते हैं। देखिए त्रिशूल आप जो देख रही हैं, सबसे पहले आप जान लें त्रिशूल का 3 भाग है। ये भगवान शिव का भाग है, दाहिनी तरफ भगवान विष्णु का भाग है और वाई तरफ भगवान ब्रह्मा का भाग है, और ये जुंध है इसमें महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्थान है। त्रिशूल जो है त्रिशूल का हरण भी करता है और तीनों देवताओं का प्रतीक भी है। 4 तरह के त्रिशूल यहाँ स्थापित किए गए हैं। जो काला त्रिशूल है वह आतंकवाद के विनाश के लिए किया जाता है, क्योंकि मैं राष्ट्र रक्षा के लिए 37 वर्षों से लगातार अनुष्ठान करता हूँ। इस वर्ष भी यहाँ 1,51,000 दीप जलाए जाएंगे, 11.25 लाख मंत्रों का जप होगा, पुराणों का पाठ होगा, 5.25 लाख आहुति होगी। इसलिए राष्ट्र रक्षा के संकल्प के लिए काले त्रिशूल है। ये जो पीला त्रिशूल है, इसमें जो आतंकवादी गतिविधि मेरे देश में हावी होना चाहती है, जो आतंकवादी परिस्थितियां देश में पैदा होती हैं, उससे मेरी सेना लड़ सके, आतंकवादियों को हरा सके, देश विजयी हो, उसके प्रतीक के रूप में है। जो रक्त त्रिशूल है, देश की अर्थव्यवस्था लक्ष्मी की कृपा के लिए है कि मेरा देश संपन्न हो, स्वस्थ हो, सारे लोग हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। और जो श्वेत त्रिशूल है, ज्ञान के लिए है, विद्या के लिए है, बुद्धि के लिए है। करीब 700 हेक्टेयर में फैले माघ मेले में कल्पवासियों के लिए अलग अलग सेक्टर्स में तंबू की नगरी बसाई गई है, जिसमें सैकड़ों लोग 40 दिनों तक रहेंगे। यानी जब इतने बड़े पैमाने पर ये आयोजन हो रहा है तो इसको सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा वॉलंटियर्स भी बड़ी संख्या में वहां तैनात हो गए हैं। इन वॉलंटियर्स से बात की मेरी सहयोगी शिल्पी ने।
प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन माघ मेला इतना बड़ा आयोजन है कि आस्था के साथ साथ इसमें प्रशासन की व्यवस्था भी मायने रखती है। यानी जो लोग आते हैं उनको लेकर के किस तरह से व्यवस्था की जाए, किस तरह से उनको योजनाबद्ध तरीके से उनका स्नान दान भी चलता रहे और पूरी तरह से व्यवस्थित रहे, इसके लिए वॉलंटियर्स यहाँ लगाए गए हैं। हम इनको देख रहे हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के डिग्री कॉलेजेस के वॉलंटियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ पर लगाया गया है। और काम ये क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं ये पूछते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल पाल है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैम यहाँ पे हमारे हम एनएसएस के छात्र हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज मेन कैंपस के। यहाँ पे हमारी ड्यूटी खोया पाया केंद्र में लगी है, जहाँ पे कोई बच्चा अगर अपने घर वालों से बिछड़ जाता है तो उसे ला के हमें सेंटर पे देना है, वहाँ से अनाउंस करवाना है, फिर हमें उससे उनके घर वालों से मिलवा देना है। और बहुत सारी ड्यूटीज हैं, जैसे कोई वृद्ध आदमी है, उसे ठंडी लग रही है, कपड़ा नहीं है उसके पास, तो उसे कपड़ा देना है, उसे आग के पास बैठाना है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को करनी है। बहुत सारे वॉलंटियर, उनको अलग अलग ड्यूटी मिली है अलग अलग यूनिट से। आप क्या कर रहे हैं? मैं मास्क और ये सैनिटाइजर हम लोगों को दे रहे हैं, कोविड जैसा चल रहा है उसके हिसाब से, और लोगों को जैसे वृद्ध लोगों को उनको घर वालों से मिलाना है और वगैरह वगैरह। यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो लोग जब स्नान के लिए जाते हैं और आते हैं तो अपने परिवार वालों से या जो साथ में आए लोग हैं उनसे बिछड़ भी जाते हैं। और इसी के लिए ये अनाउंसमेंट भी मेरे पीछे मैं सुन सकती हूँ चल रहा है, और ये वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए किस कॉलेज से? ठाकुर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज। क्या यहाँ पर काम कर रहे हैं? मतलब यहाँ लोग जो आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई खो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और जैसे लोग जो नहाने जाते हैं वहाँ कुछ मतलब गमला फेंकने पानी में जाते हैं उनको रोकने के लिए कि वहाँ ना डालें, वहाँ केवल स्नान करें और जो फिर बाद में उनकी हेल्प करने के लिए। ये एक बड़ी बात है, यानी स्वच्छता का जो संकल्प है वो भी यहाँ पर आप लोगों के जरिए से प्रशासन उसको बताने की कोशिश कर रहा है। व्यवस्था के लिए ये वॉलंटियर्स हैं, छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर इस कड़ाके की ठंड में ये भी माघ मेला में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। तो कोरोना महामारी का खतरा जिस तरीके से फिर से सर उठा रहा है, उसको भी देखते हुए माघ मेले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी की गई है। तैयारी वहां पर उस मोर्चे पर कैसी है, देखिए शिल्पी की रिपोर्ट। पाकिस्तान से हुई है तो देखते हुए इस बार प्रयागराज के माघ मेले में इंतजाम किए जा रहे हैं। माघ मेले में इस बात का इंतजाम किया जा रहा है कि यहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका रैपिड टेस्ट किया जा सके। ये कार्यालय है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का और इसके अंदर इस बात की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये कार्यालय अभी तैयार हो गया है। इसके अलावा जैसा कि जगह जगह ये बैनर्स लगाए गए हैं कि कोविड 19 हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। आज पहला दिन है माघ मेले का और ऐसे में ये सक्रिय होंगे हम कह सकते हैं एक दो दिन में, लेकिन इतना तय है कि इसके बाद जो यहाँ आएंगे, यानी जो पहला मुख्य स्नान पर्व पड़ेगा मकर संक्रांति का, उसमें ये पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो कोविड से पूरी तरह से सतर्क रहें। और जो 16 एंट्री गेट्स बने हैं उसमें भी रैपिड टेस्ट होंगे, इसके लिए यहाँ व्यवस्था सब की गई है। वाहन भी हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के हैं। ऐसे में ये तैयारी है कि किस तरह से पूरी तरह इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस बार का माघ मेला सुरक्षित होगा और कोविड की सतर्कता को देखते हुए जो जरूरी एहतियात हैं वो इसमें बरते जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए गुड न्यूज है। रैपिड रेल के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस ट्रैक पर ट्रायल चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च के महीने में 17 किलोमीटर के ट्रैक पर रैपिड रेल की आवाजाही शुरू हो जाएगी। 17 किलोमीटर का ये ट्रैक साहिबाबाद से गाजियाबाद की दुहाई तक है। क्यों खास है, रैपिड रेल कहां कहां तक चलेगी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। न ट्रैफिक की टेंशन, न समय की बर्बादी, यात्रीगण ध्यान दें, स्टेशन पर आ गई है देश की पहली रैपिड रेल। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल ट्रायल के अंतिम दौर में है। हाल ही में रैपिड रेल ट्रेन का स्लो स्पीड ट्रायल किया गया जिसे ड्रोन के जरिए तस्वीरों में कैद किया गया। ये ट्रायल रन मुख्य ट्रैक यानी दुहाई डिपो से गाजियाबाद स्टेशन के करीब तक किया गया।
देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत मार्च से होने जा रही है। रैपिड रेल का ये पहला चरण है जिसमें साहिबाबाद से गाजियाबाद की दुहाई के बीच रैपिड रेल चलेगी। रैपिड रेल पहले चरण में 17 किलोमीटर के ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके बाद जून 2025 से रैपिड रेल का पूरा ट्रैक खोल दिया जाएगा जिसमें यात्री दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ तक का सफर महज 50 मिनट में पूरा कर पाएंगे। एनसीआर के लोगों को इंतजार है कि रैपिड रेल जल्द शुरू हो जाए और इसके लिए ट्रायल शुरू हो चुका है। पहली बार जब ट्रायल किया गया तो इसकी रफ्तार थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरी बार ये रफ्तार बढ़कर 25 किलोमीटर घंटे के हिसाब से हो गई है। ऐसे में लगातार ये कोशिश की जा रही है कि रफ्तार को बढ़ाया जाए और जल्द ही दिल्ली से मेरठ तक के सफर के पहले फेज को शुरू किया जाए। फिलहाल ये अभी ट्रायल बेस में है। ये देश की पहली ऐसी रैपिड रीजनल ट्रेन है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। कंपनी का दावा है कि इस ट्रेन में बैठकर आपको हवाई जहाज जैसा अनुभव होगा और साथ ही फ्री वाईफाई की सुविधा भी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। बिहार से दुहाई तक की स्टेशन की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। अगर आप देखेंगे तो आपको कई जगह पिलर्स इस प्रकार के नजर आएंगे। साथ साथ जो ट्रायल चल रहा है उसके लिए भी ऊपर आपको देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइनें यहाँ पर बिछाई गई हैं। तो ट्रायल लगातार चल रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जब ये ट्रेन तैयार हो जाएगी आम जनता के लिए, जब इसका ट्रायल खत्म होगा और आम जनता के लिए ये ट्रेन चालू होगी, ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो रोजाना सफर करते हैं दिल्ली से मेरठ के बीच। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का निर्माण किया गया है। इसकी खास बात यह है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोच के गेट पर सेंसर लगाए गए हैं जिससे ये सुविधा होगी कि जब भी कोई यात्री गेट के करीब आएगा तो दरवाजे बंद नहीं होंगे। ये इस पूरे इलाके में रहने वाले यात्रियों को दिल्ली में अवेलेबल सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी प्रदान करेगा। इन सुविधाओं को पाने में अब उनको अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी और कम खर्चे में एक आम आदमी उन सभी सुविधाओं को जो पहले कुछ ही लोगों को उपलब्ध थी वहां तक पहुंच पाएंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। पूरी तरह बनने के बाद दिल्ली से मेरठ की यात्रा करने में महज 50 मिनट का वक्त लगेगा। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के पूरा होने के बाद दिल्ली से अलवर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और फिर दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर का काम पूरा होगा। खास बात यह है कि इस रैपिड रेल का फायदा केवल दिल्ली एनसीआर के लोगों को ही नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे रैपिड रेल नेटवर्क पूरे देश में फैला जाएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि एनसीआरटीसी रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जिस स्पीड से इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये तय वक्त पर पूरा हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली समेत एनसीआर में सड़कों पर गाड़ियों के बोझ को कम करने में भी मददगार होगा। दरअसल दिल्ली से मेरठ के बीच लाखों गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम की शिकायत अक्सर रहती है। ऐसे में इस रैपिड रेल कॉरिडोर के शुरू होने से करीब 1 लाख गाड़ियां सड़कों से कम हो सकती है और जानकारों का यह भी मानना है कि इस नेटवर्क से आम लोगों को काफी फायदा होगा। दिल्ली से मेरठ तक पहुंचने में जिन परेशानियों से गुजरना पड़ता था वो सभी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर दूर हो जाएंगे। यानी कि दिल्ली से मेरठ के बीच कम समय में आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर होने जा रहा है। इस सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि रैपिड रेल के तौर पर जाना जाएगा। रैपिड ट्रेन कोच का निर्माण गुजरात के सावली के बम्बार्डियर प्लांट में किया जाता है और ये ट्रेन देखने में बिल्कुल मेट्रो ट्रेन की तरह ही लगेगी लेकिन इसकी रफ्तार अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी जबकि मेट्रो की अधिकतम 135 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। रैपिड रेल की अगर हम मेट्रो ट्रेन से ही तुलना करें तो दोनों में क्या अंतर है या क्या समानता है वो भी आपको बताते हैं। रैपिड ट्रेन में आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रीमियम कोच बनाए गए हैं जबकि मेट्रो में कोई प्रीमियम कोच नहीं है। प्रीमियम कोच में हवाई अड्डों की तरह ही प्रीमियम लाउंज भी होगा जो कि बिजनेस क्लास की सुविधा देगा। रैपिड रेल में प्रीमियम और स्टैंडर्ड क्लास के दो तरह के कोच होंगे जबकि मेट्रो में सभी कोच एक ही समान एक ही तरह के होते हैं। रैपिड रेल का संचालन दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है जबकि मेट्रो एक ही शहर
के कई हिस्सों को आपस में जोड़ती है। रैपिड रेल 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन है, जबकि मेट्रो की रफ्तार कम है और मेट्रो की अधिकतम स्पीड है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। रैपिड रेल में हर सीट पर लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है, जबकि मेट्रो में हर सीट पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। रैपिड रेल की कोच में मरीज को लेकर जाने के लिए भी व्यवस्था मौजूद है, जैसा कि कोच में स्ट्रेचर रखने के लिए अलग से स्पेस बनाया गया है, लेकिन मेट्रो में इस तरह की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। रैपिड रेल में सामान रखने के लिए लगेज रैक बनाए गए हैं, जबकि मेट्रो में लगेज रैक की कोई व्यवस्था नहीं है। रैपिड रेल में ऑनबोर्ड वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी, जबकि मेट्रो में ऑनबोर्ड वाईफाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो रैपिड रेल और मेट्रो में किस तरह की समानताएं और किस तरीके से दोनों अलग है, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन रैपिड रेल के शुरू होने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही साथ ढाई घंटे का सफर महज 50 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये रूट कहां से कहां तक पहुंचाएगा ये भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसे हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दिल्ली मेरठ हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर में ट्रेन दिल्ली के सरायकाले खां स्टेशन से शुरू होगी और इस कॉरिडोर में कुल 24 स्टेशन होंगे। रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम एरिया तक करीब 82 किलोमीटर लंबा है। इस दूरी को तय करने में सिर्फ 50 मिनट का वक्त लगेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच इस कॉरिडोर में दो डिपो, एक स्टेबलिंग यार्ड सहित 24 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशन सरायकाले खां और आनंद विहार को कनेक्ट किया गया है, यानी रैपिड रेल सरायकाले खां से रफ्तार पकड़ेगी और न्यू अशोकनगर जाएगी, जहां से नोएडा के लोगों को भी फायदा होगा। इसके बाद आनंद विहार अगला स्टेशन होगा, जहां पर ज्यादातर यात्री अभी रेल मार्ग और सड़क से मेरठ पहुंचते हैं। ऐसे में आनंद विहार पर इस स्टेशन से पहुंचने वाले लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। आनंद विहार के बाद रैपिड ट्रेन गाजियाबाद पहुंचेगी, जिसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर, साउथ मोदीनगर, नॉर्थ स्टेशन शामिल होंगे। इसके बाद रैपिड ट्रेन मेरठ पहुंचेगी। मेरठ में परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, वैशाली डिपो, बेगमपुर, एमआईएस कॉलोनी, कैंट, मोदीपुरम तक ये ट्रेन जाएगी। साफ है कि रैपिड ट्रेन सफर को कम समय में पूरा तो करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ इस रूट में जो स्टेशन रखे गए हैं उससे दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक को भी कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को तो फायदा होगा ही। और जिस लिहाज से इस प्रोजेक्ट को काफी अहम माना जा रहा है, रेल के कोच कैसे मेट्रो से अलग होंगे, क्या क्या खास है इसमें, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। हम जब इस कोच के अंदर आए तो एक अलग ही एहसास मजा आया, लगा कि ये तो मेट्रो से अलग है, ये तो शताब्दी से अलग है, ये तो ट्रेन से बिल्कुल अलग है, तो ये रैपिड रेल जो है वो खास कैसे है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि रैपिड रेल एक रीजनल रेलवे सिस्टम है, रीजनल कम्यूटर के लिए है और एक फास्ट सिस्टम है। इसकी जो डिजाइन स्पीड है इन ट्रेनों की वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है और बहुत तेज फ्रीक्वेंसी पे हम लोग चलाएंगे। मतलब आप पीक टाइम में अगर समझें तो 10 मिनट में एक ट्रेन आपको मिलेगी, तो एक घंटे में 6 ट्रेनें मेरठ के लिए और मेरठ से दिल्ली के लिए चलेंगी। ये ट्रेनें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, लाइट वेट है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेन है ये। आपने आमतौर पर फ्लाइट्स में इस प्रकार की सीट्स देखी होंगी, तो इतना कंफर्ट जोन यात्रियों को मिलेगा तो फिर तो खास बात ही है। हमारा पूरा प्रयास ही है कि कंफर्ट हो यात्रियों को। दरवाजे चौड़े हैं, जो ट्रेन का लेवल है, फ्लोर का लेवल और प्लेटफॉर्म का लेवल बिल्कुल लगभग एक सा है, गैप दोनों के बीच में कम है। हम लोग प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स जो है वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सेफ्टी है, जिसमें कि लोग ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका दरवाजा खुला है या नहीं खुला या बंद हो रहा है। कुछ आपने ऐसे हादसे सुने होंगे हुए पहले कि किसी का कपड़ा फंस गया या कुछ हो गया, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर के साथ ये संभव ही नहीं है कि किसी का हाथ फंस जाए, कपड़ा फंस जाए और ट्रेन चल दे। ट्रेन चल ही नहीं सकती जब तक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर की सेफ्टी का हमारे पास नेट है। तो बहुत सारी हम लोग ऐसी चीजें सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट के लिए फीचर्स इसमें ला रहे हैं। आप देखिए, इसमें चार्जिंग पॉइंट है,
हर सीट पे एक चार्जिंग पॉइंट है, एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। मतलब आप अपने मोबाइल को यूएसबी से भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। कोट का कोट को टांगने के लिए एक सुविधा है। आप पानी की बॉटल रखनी है, मोबाइल रखना है, आपको चार्ज करते समय मोबाइल इसमें आप रख सकते हैं। और जैसे आपने देखा अभी ये है, प्लस जो हमारा प्रीमियम क्लास है का कोच है उसमें रिक्लाइनिंग है, सीटें रिक्लाइन भी हो जाएंगी। आप लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, आप सोना चाहते हैं थोड़ी देर तो सो सकते हैं। देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने स्पेस दिया है कि अगर यात्रियों को सामान रखना है तो इस पे सामान रखकर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो ये मेट्रो से तो अलग है, साफ है कि नए सफर का आनंद लीजिए और इस नए कोच में आप जब सफर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कुछ एहसास इस बात का जरूर होगा कि कंफर्ट जोन तो है ही, साथ साथ बेहतर सुविधाओं को कहीं ना कहीं इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और समझाया गया है कि 2025 में रैपिड रेल जब चलेगी तो उसके कोच किस तरीके से आम आदमी को अट्रैक्ट करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। आपको गुजरात लिए चलते हैं जहां मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। रंग बिरंगी पतंगों से दुकानें सज चुकी हैं। बाजार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पतंगों की खूब डिमांड है और इसके अलावा साउथ के स्टार भी पतंग बाजार में छाए हुए हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद पतंग उत्सव की इस तरह की रौनक देखने को मिल रही है और इसीलिए लोग जमकर पतंग खरीदारी कर रहे हैं। वैसे इस बार जोश काफी हाई है। रंग बिरंगी पतंग, अलग अलग थीम की पतंग, साउथ के सुपरस्टार से लेकर G20 प्रिंट वाली पतंगों से सज चुका है बाजार और इन सबके बीच पीएम मोदी की तस्वीर वाली पतंग का क्रेज सबसे अलग दिखाई दे रहा है। पहले लोग गुजरात की पतंग मांगते थे, मोदी जी की पतंग है, मोदी जी पतंग है क्या भाई, हैं। अभी गुजरात के बाहर के ग्राहक भी मोदी जी के लोगों वाली पतंग मांगते हैं तो उनका क्रेज ज्यादा बढ़ा है। मोदी जी वाली जो फोटो वाली जो पतंग रहेगी उसकी उसका अलग ही क्रेज है, वो सबसे ज्यादा डिमांड उसका अलग क्रेज है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हम यहाँ गुजरात में बेचते थे, अभी हमने माल हैदराबाद भेजा है, हैदराबाद भेजा है, तुम्हारे कोल्हापुर भेजा है, जो मोदी की डिमांड फिर से आई कि उनके फोटो वाली पतंग हमको ज्यादा चाहिए। रंग बिरंगी अजूबी पतंगों के महोत्सव के लिए गुजरात तैयार है। 8 जनवरी से 14 जनवरी 2023 के बीच गुजरात के तमाम शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।